हेलो दोस्तों, अशोक इंस्पायर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज दूसरा चैप्टर है, मैंने दूसरा पार्ट है एक त्रिकोणमिति का। कल थोड़ा बता रहे थे हम कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज है जो ए बी सी, इस पे बता चुके थे हम साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लम बटा आधार। जस्ट इसका अपोजिट साइन भी होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कॉस के उल्टा सेक, थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और टैन के उल्टा क्या होगा, टैन के उल्टा हो जाएगा कॉट, थीटा बराबर आधार बटा लंब। क्यों उल्टा होता है ये आगे बताएंगे, जस्ट इसके आगे बताएंगे। इसका एक ट्रिक है जो ऐसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जैसे ल आ ले, ल ल आ ल बटा क क आ, मतलब कि लंबाई आधार और फिर लंबाई का से हो गए कर्ण, कैसे हो गया कर्ण और फिर आधार। देखिए कैसे ट्रिक है सर, ल से लंबाई फिर आधार हो गया, फिर मतलब कि यहां पे देखिए साइन में हो जाएगा, ये साइन के ये वाला उठा लो, ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि ल से हो गया लंबाई लंब और कैसे हो गया बटा कर्ण। फिर सेकंड वाला उठाओ, ये सेकंड पार्ट, ये हो गया कॉस, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आ से हो गया आधार अब बटा का से हो गया कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार बटा, सही है आधार बटा कर्ण, और फिर लास्ट में है लंब बटा आधार, यानी कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ये है ट्रिक है ल आ ल बटा क क आ, याद इतना नहीं तो कम से कम ये ट्रिक तो कम से कम याद कर लेना, ट्रिक अगर याद हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला भी, और जस्ट इसको याद करने की कोई जरूरत है, बस इसका रिवर्स है, उल्टा है। और क्यों उल्टा होता है, जस्ट इसका आगे एक फॉर्मूला होता है उसी के अनुसार ये उल्टा होता है। जैसे पहले एक फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर, नहीं साइन थीटा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसका रिवर्स हो गया कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन चैप्टर है अध्याय 8.1 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 में है, तो क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, तो पहला में पहले तो निकालने के लिए हमें क्या जरूरी है, कर्ण जरूरी है, कर्ण यहां से निकालेंगे, कर्ण कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो बराबर लंब हो जाएगा 24 के स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार हो जाएगा 7 के स्क्वायर, स्क्वायर निकाल लो 24 के 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, स्क्वायर का मतलब अगर नहीं निकालने आ रहा है तो पहले गुणा कर लीजिएगा, ऐसे 24 गुने 24 4 के 16 और
चार गुना आठ, आठ आठ सोलह और एक सत्रह, और दो गुना चार एक खसी दिया पांच, पांच सौ छिहत्तर आता है। अब दोनों के जोड़ने पर कितना आएगा, नौ छ पंद्रह, चार और सात चार ग्यारह एक खसी लो बारह, और पांच एक खसी छ, यानी छह सौ पच्चीस आया। तो ये रूट अंडर इसका निकाल भूल वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, पच्चीस, पच्चीस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर में। अब यहां देखिए कर्ण निकल गया 25 सेंटीमीटर, कर्ण से कितना निकला बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहां से निकालेंगे साइन ए, साइन ए सॉरी हाँ साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। अब यहां देखिएगा साइन ए पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा फोकस कीजिएगा, साइन ए तो यहाँ पे कोण ए की बात कर रहा है, तो जिस कोण की बात करे उसके सामने वाला लंब होता है, और ये वाला जो बच गया से वाला आधार, और जो 90 डिग्री बनाता है वो तो कर्ण हो गए करता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें लंब कौन हो जाएगा सात, लंब हो जाएगा सात और बटा अब कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। दूसरा है कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो बराबर आधार इसमें हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये कोण सी की बात कर रहा है ना, कोण ए की बात कर रहा है ना, तो कोण ए इसमें तो ये लंब हो जाएगा, आधार 24 हो जाएगा, यानी कि 24 बटा कर्ण हो जाएगा 25। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा में पूछ रहा है साइन सी बराबर होगा लंब बटा कर्ण। अब यहां ध्यान दीजिएगा साइन सी की बात कर रहा है, तो साइन सी, सी कोण यहां पे है, तो इसके सामने वाला लंब ए वाला हो जाएगा 24, यानी कि लंब ए हो जाएगा 24 और कर्ण 25, और कॉस सी बराबर हो जाएगा, कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, बराबर हो जाएगा आधार कितना है, आधार हो जाएगा 7 बटा 25 आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें tan P माइनस cot R का मान निकालना है, जिसमें PQ ले रहे हैं 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और कर्ण ले रहे हैं यानी कि PR ले रहे हैं 13 सेंटीमीटर। तो हमको तो पहले यहां निकालना होगा आधार यानी QR, यहां से हम निकालेंगे आधार यानी QR, QR बराबर क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से अधिकरणा यहां कर्ण बराबर यानी कि QR यानी आधार, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब यहां से मान बैठा दीजिए कर्ण कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लंब के स्क्वायर यानी 12 के स्क्वायर। अब इसका निकाल लीजिएगा तो 13 के 169 माइनस 12 के होता है 144, और इसके में घटा देंगे तो कितना आएगा रूट अंडर 25 आएगा, कितना 25, और 25 का वर्गमूल जानते होंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यानी आधार कितना आ गया 5। अब यहां से देखिएगा tan P पूछ रहा है, tan P यानी कोण ए इसकी बात कर रहा है, तो लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12, तो tan P बराबर होगा, tan P बराबर बैठाइए लंब बटा आधार, आधार और माइनस cot R की बात करें तो आधार बटा लंब। यहां से tan P, tan P के देखिएगा तो लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 5 बटा 12 माइनस, इसमें cot R की बात कर रहा है यानी cot R ए वाला, तो इसके सामने कौन लंब है तो 12 हो जाएगा इसका, सॉरी 12 नहीं, आधार पूछ रहा है ना, तो आधार 5 हो जाएगा और लंब, लंब हो जाएगा 12। तो यहां से तो
एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या होगा, 12 5 यहां से 5 हो जाएगा, 5 से 5 0, यानी 0 बटा 12 होता है 0। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा जरूरी है, त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत बड़ा रोल है। जैसे देखिएगा कुछ ट्रिपलेट भी बताएंगे, जैसे अगर भुजा लंब हो जाएगा, यहाँ पे भुजा बोलो आधार हो जाएगा 3 और ये लंब हो जाएगा 4, तो कर्ण कैसे निकलेगा हाल इसे बताना है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देता है, जो लगभग 100 क्वेश्चन रहता है जिसमें 60 नंबर तो बनाना रहता है। तो इसमें कर्ण कैसे निकाले, ऐसे तो हम 3 4 5 ऐसे ट्रिपलेट डालते हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं देख लीजिए। 2 4 5 वो खाली ही नंबर है, बाकी उसका मल्टीपल होता है। मल्टीपल जैसे देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार, पूरा पूरा लिखते रहे, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर इधर कर दीजिएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। आगे यहां से हम पूछेंगे लंब के स्क्वायर बताइए, तो लंब के स्क्वायर निकालना होगा, लंब के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर इधर ही रखें और आधार को कर्ण की तरफ भेज दें। अगर इधर बराबर की इधर है, इधर आके माइनस में, तो यहां कर्ण तो इधर ही रहेगा, कर्ण के स्क्वायर, और उधर से आया कौन प्लस है, तो इधर आके बराबर की इधर आएगा, तो माइनस में आधार के स्क्वायर, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में जाएगा, यानी कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अगला आधार निकालेंगे, आधार बराबर हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण को ऐसा ही रहने दीजिए, कर्ण के स्क्वायर, अब यहां से हो जाएगा लंब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे पूछना है तो प्लस है, तो बराबर की इधर आएगा तो माइनस में लंब के स्क्वायर। अभी स्क्वायर इधर करेंगे, अंडर रूट में जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ये तो हो गया सूत्र, हो गया सूत्र से निकालेंगे तो बड़ी टाइम जाएगा। जैसे ये वो निकालते हैं, जैसे मान लिया जब भुजा है, यहां परिणाम देते हैं ए बी और सी है, जिसमें यहां पे शायद कर्ण निकाला होगा, जिसमें लंब दिया हुआ है 4 और आधार दिया हुआ है 3, तो कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा लंब है 4 के स्क्वायर प्लस आधार 3 के स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 9, जोड़ने पर कितना आता है 25 और 25 का वर्गमूल 5 आता है, कितना 5। अगले बच्चे, यानी कि इसका एक ट्रिपलेट, देखिए ट्रिपलेट बनाते हैं, ट्रिपलेट जो दो चार को यहां ही याद रखना है, बाकी सब इसी का मल्टीपल पूछता है। जैसे मान लिया, जैसे देखो 3 4 5, तो इसमें पक्का है कि जो बड़ा भुजा रहेगा वही कर्ण होगा, जो बड़ा भुजा रहता है। इसमें जरूरी ना है कि ये लंब, अभी लंब है तो लंब होगा ये आधार, लेकिन ये बड़ा वाला जो भुजा है ना वो कर्ण होता है, उसका फिक्स रहता है। तो अगर दो को भुजा अगर दे देगा तो तीसरा भुजा तुम लोग के खुद बोलो, जैसे 3 4 5, अगर इसका मल्टीपल बोलेंगे 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट हो गया, यानी कि दो को भुजा अगर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना होगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगला भी निकालेंगे, अगला रहेगा 9 12 15, ये भी इसका ट्रिपलेट हो जाएगा, मतलब कि ये वाला कर्ण रहेगा। अगला इसका मल्टीपल हो जाएगा 12 16 20। एक और होता है, जैसे 5 ट्रिपलेट है, एक 5 12
13, तो इसका मल्टीपल क्या होगा? तो इसका 2 से पहले गुना कर दीजिए, 2 से करना है 1 में, तो सब में गुना करना है, तो 5 × 10 यहाँ, 6 × 12 = 24 और 13 × 26 होगा। इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो 5 × 15, तो 12 में करेंगे 3 से, तो 12 × 36 और 13 × 39, ये है इसका ट्रिपलेट। एक और होता है जो ज्यादा फेमस है, देखिएगा, एक और है ट्रिपलेट 8, 15, 17, ये भी फेमस बहुत है। तो इसका मल्टीपल करेंगे 2 से, तो 16, 30, 34, अगर 3 से करेंगे तो 24, 45, इसका मल्टीपल 3 से हो जाएगा 51। ये बच्चे इसका ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट याद रखा करो, जो सिंपल है उसको, जो हार्ड है तो फिर निकालिए लेंगे कैलकुलेशन करके। तो ये सब याद रखने से है कि ये सब जो है ना त्रिभुज में बैठाने में, समकोण त्रिभुज बैठाने में आसान होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे शायद आधार न दिया हो, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया कितना 17 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 15, तो इसका आधार पूछ रहा है। तो अभी बताया है किसमें 15, 17, यानी 8, 15, 17 अभी बताए हैं। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव जब निकालना होता है ना, तो इतना फॉर्मूला लगा के निकालने में बहुत टाइम जाता है, इससे अच्छा है कि हॉट डे निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन देते हैं जो बनाया स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा। साइन ए बराबर, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए और टेन ए का। तो साइन ए बराबर होता क्या है, हल करेंगे। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, अब इससे कंपेयर करेंगे तो यहां लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यहां से निकालेंगे क्या चीज, हम यहां से निकालेंगे आधार निकालेंगे, तो यहां से आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यहां से हो जाएगा कर्ण रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस लंब यानी कि 3 के स्क्वायर यानी कि 16 और माइनस 9 हो जाएगा, 16 - 9 रूट अंडर 7 होगा, कितना होगा √7, ये आधार निकला। अब निकालिए कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो बैठा दीजिए मान, आधार कितना निकला √7 और बटा कर्ण हो जाएगा 4। फिर एक और है क्वेश्चन, टेन ए बराबर हो जाएगा, टेन ए बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर लंब दे ले हैं 3 और आधार यहां से निकाले हैं √7, यही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देखिए क्वेश्चन है 15 cot A = 8, तो साइन ए और sec A का मान ज्ञात करें, तो यहां से देखिएगा, लिख दीजिए इधर हल करें, हल 15 cot A = 8, तो cot A बराबर 8 इधर गुना में है, इधर जाके भाग में यानी बटा में होगा, तो cot A बराबर 8, तो यहां से cot A बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि यहां से आधार बराबर दिया हुआ है, आधार बराबर दिया हुआ है 8 और लंब बराबर दिया हुआ है, कंपेयर करेंगे तो लंब बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अगर यदि फास्ट लग रहा हो तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ताकि अगर वैसे करेंगे बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए अगर ज्यादा फास्ट लग रहा होगा तो वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिएगा।
तो यहां से देखिए निकालना होगा हम लोग के कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ट्रिपलेट में बताए हैं कि 8 15 और कर्ण कितना होगा 8 15, अभी बताए थे ट्रिपलेट में कि 8 15 17 होता है, 8 15 17 ऐसे निकाल लीजिए। यहां से लंब हो जाएगा 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 के स्क्वायर 225 प्लस 64, यानी कि जोड़ने पर कितना आता है 5 4 9 6 2 8 यहाँ 289, इसका वर्गमूल होता है 17 का, 17 सेंटीमीटर आया ना 17 सेंटीमीटर कर्ण। अब यहां से निकाल लीजिए साइन है, तो साइन ए बराबर होता है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। यहां से हम लंब पता है, लंब है दिया हुआ है लंब 15 सेंटीमीटर और बटा कर्ण है 17, तो सेक ए बराबर होता है कॉस ए का उल्टा सेक ए, यानी कि कॉस का उल्टा होता है कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो बिठा दीजिए मान कर्ण हो जाएगा 17 और बटा आधार हो जाएगा कितना, आधार हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है।